दोस्तों इस सेटअप से आप कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 हज़ार रुपये पर बुकिंग कमा सकते हो। दोस्तों आज भी काफ़ी लोगों का सपना होता है डीजे का काम करना, डीजे के बिजनेस से शुरुआत करना और अपना नाम कमाना, पैसा कमाना। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आज वाले सेटअप में आपको मैं सारी डिटेल दूंगा और ये एक ऐसा सामान है जो आप अपने शहर में भी खरीद सकते हो, आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा ये सामान, बहुत ही अच्छा। मैं आपको सारी प्राइस के साथ में डिटेल दूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को पता है कि मैं इसी तरह लाइव साउंड सेटअप टूर भी करवाता हूं और आप सभी को साउंड के बारे में जानकारी देता हूं। तो दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं लिए स्टार्ट करते आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको ये सेटअप दिख रहा है इसके अंदर आपको टॉप बेस, शार्पी लाइट, पावर लाइट, नास फ्लोर, सब कुछ, स्मोक मशीन, एम्पलीफायर, मिक्सर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आज इस सेटअप में बात करूं तो आपको एक चेस का डांस फ्लोर दिख रहा होगा, ये होम टाउन मैंने बनवाया, इसका जो प्राइस है वो लगभग 40,000 के आसपास है। आप मुझे व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में डिटेल दे सकते हो कि कैसे बनवाना है, कौन से प्लाई यूज करना है। उसके अलावा दोस्तों यहां पे आपको दो एम्पलीफायर दिख रहे होंगे, स्टूडियो मास्टर कंपनी का डीजे 4000 जिसका जो प्राइस है वो लगभग 38,000 के आसपास है, जिसके अंदर मेरे दो सिंगल बेस रन हो रहे थे। आप इसमें ड्यूल बेस भी चला सकते हो 1600-1800 वाट तक, एक एक चैनल पे फोर रूम्स के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहां पे दोस्तों आपको दो टॉप जो रन हो रहे थे वो मेरे स्टूडियो मास्टर कंपनी के पीए 3.0 एम्पलीफायर में, जिसका जो प्राइस है वो लगभग 42,000 के आसपास है, उनमें प्रत्येक चैनल में एक एक टॉप रन हो रहा था जो लगभग 1400-1400 वाट के टॉप थे। उसके अलावा यहाँ पे आपको दो पावर लाइट मिक्सर दिख रहे होंगे डीएमएक्स 512 स्टान के, तो इसका जो प्राइस है वो लगभग 2500 रुपए के आसपास है आज के टाइम में। और एक मिक्सर के अंदर पावर लाइट रन हो रही थी और एक मिक्सर के अंदर शार्पी लाइट रन हो रही थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टूडियो मास्टर कंपनी का एरेड मिक्सर भी दिख जाएगा जो आपको लाइव में भी यूज आएगा, बट उसके साथ में आपको अलग से इफेक्ट प्रोसेसर यूज करना होगा या डीडी यूज करना होगा तो बेटर क्वालिटी आएगी। और डीजे में यूज करता ही हूँ, इसका जो प्राइस है वो लगभग 13,000 रुपए के आसपास है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ये लोहे का ट्रस दिख रहा होगा और दो स्टैंड दिख रहे होंगे, इसकी जो हाइट है वो लगभग आप 11-12 फीट तक ऊपर ले जा सकते हो, बहुत अच्छा है। और ये मैंने अपने लोकल यहीं बिगरन से बनवाया था, तो आपको अगर और भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि ये कैसे बनेगा, अगर आपके शहर में अगर किसी को मुझे जानकारी देना हो। और इसका जो प्राइस पड़ा था वो लगभग 20,000 रुपए के आसपास है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पार्लाइट दिख रही होगी, आज आपको स्लिम 60 मिलेगी, ये तो आनी बंद हो गई, S052 है और मैंने बहुत पहले लिया था, इसका जो प्राइस है वो लगभग 1400-1500 के आसपास है। और स्लिम 60 भी आपको लगभग इसी प्राइस के आसपास मिल जाएगी मार्केट के अंदर, जो बहुत ही लाइट वेट पार्लाइट और सबसे सस्ती लाइट और अपने आप में एक ब्रांड है स्टान कंपनी की। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको दो शार्पी लाइट दिख रही होगी, ये स्टार्टिंग शार्पी लाइट है स्टान कंपनी की, 7R V2 शार्पी है, बहुत अच्छी शार्पी, आप इसको इंडोर आउटडोर यूज कर सकते हो अपने डीजे सेटअप के साथ में और आपका एक शार्पी का भी सपना पूरा हो जाएगा, एक कम दाम के अंदर बहुत अच्छी शार्पी लाइट है। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे दोस्तों दो फ्लाइट केस दिख रहे होंगे, तो दोस्तों जो फ्लाइट केस है उसका जो प्राइस है वो लगभग आपको अच्छे से अच्छा फ्लाइट केस 14,000 में, 15,000 में, उससे कम में चाहिए तो 10,000 में, 8,000 में मिल जाएगा। बट मैं आपको ये अगर अच्छा से अच्छा फ्लाइट केस सजेस्ट करूँ 9mm की प्लाई में तो वो लगभग आपको 13-14 हज़ार में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे दो जो कैबिनेट दिख रहे हैं, इन कैबिनेट का जो प्राइस है आप RCA मॉडल में ले सकते हो, JBL मॉडल में ले सकते हो। तो ये जो कैबिनेट है काफ़ी दिल्ली में बनते हैं, हर जगह बनते हैं, हमारे शहर में बनते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो लगभग 8,000 से लेके आपको 20,000 तक में मिल जाएगा अच्छे से अच्छे प्लाई में, अच्छे से कंडीशन में। तो अगर मैं आपको इसी का सजेस्ट करूँ तो ये लगभग आपको 14-15 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर जो स्पीकर है दोस्तों वो आहूजा कंपनी के L15MB650 है, जो लाइव में डीजे में दोनों में स्टॉप को यूज़ करता हूँ, उसका जो प्राइस है वो लगभग 8,400 रुपये के आसपास है। तो टोटल में अगर ओवरऑल स्टॉप के कैबिनेट के साथ में, फ्लैट केस के साथ में, स्पीकर के साथ में बात करूँ तो ये लगभग आपको 65,000 के आसपास मिलेगा। आप बोलोगे सस्ता भी टॉप आता है, तो हाँ वो आपको 300-400 वाट में अदर कंपनी में मिल जाएगा, जो लगभग आपको 30-40 हज़ार में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका इतना प्राइस है। और उसके अलावा इसके अंदर HF आहूजा का, स्टूडियो मास्टर का, JBL का ओरिजिनल पी ऑडियो का, उसके अलावा कोई भी HF डाल सकते हो, 750 का, 850 का, 100 वाट का, जो भी आपको बजट में हो आपको 3,000-5,000 के आसपास मिल जाएगा एक एक स्पीकर में डालने के लिए। HF के बिना स्पीकर की आवाज़ अच्छी नहीं आती, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। उसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे आहूजा कंपनी के SWX650 आहूजा की फिनिश्ड बहुत अच्छे बेस, सिंगल बेस, जो मैं अपने कभी कभी इंडोर में भी यूज़ लेता हूँ, आउटडोर में भी यूज़ लेता हूँ, बट आउटडोर में मैं आपको ड्यूल बेस सजेस्ट करूँगा, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा ड्यूल बेस सेटअप के ऊपर। इसका जो प्राइस है वो लगभग 34,000 है, जो SWX650 इसका मॉडल नंबर है, तो ये भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लोर के अंदर भी आप अपना अच्छे से अच्छा फ्लोर बनवा सकते हो, चाहिए कैसे बना सारी डिटेल मैं आपको पर्टिकुलर व्हाट्सएप पर दे दूंगा। ये बहुत अच्छा फ्लोर है और आप डेमो देख सकते हो, आपको सामने कितना अच्छा डेमो लग रहा होगा। उसके अलावा आपको एक स्टान कंपनी का Z1500B स्मोक मशीन दिख रहा होगा, वो लगभग आपको 4,000-5,000 के बीच में मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों मैं डिस्क जॉकी भी यूज़ करता हूँ, वो लगभग न्यूमार्क कंपनी का 30,000 के आसपास का है, लैपटॉप है,
वो भी लगभग आपको अच्छे से अच्छा डीजे के लिए लैपटॉप 35,000-40,000 के आसपास i3 i5 मिल जाएगा। आप उसमें 1 TB तक में हार्ड डिस्क लीजिए, बहुत अच्छे गाने आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अगर मैं कोई भी जानकारी आपको बता नहीं पाऊँ, भूल जाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। दोस्तों लाइट बोर्ड है, एक्स्ट्रा वो कैसे बनवाने हैं, तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट मैंने आपको प्राइस सारी बता दी है। तो ऐसा प्राइस के साथ अपने डीजे के बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हो। बहुत ही छोटा सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है, आप कहीं भी बर्थडे पार्टी में, शादी में, रिसेप्शन में, कोई भी जगह जहाँ पे डीजे की नीड हो वहाँ पर आप सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और डेमो आपने देख लिया कि जब इतना अच्छा सेटअप लग रहा है कंपनी, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। इसी तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।